ला जिसको हम गूसबेरी भी कहते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही या ये कहिए आंवले का मौसम आते ही इसका अलग महत्व है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए और भी कई तरह से फ़ायदेमंद है। इसको खाने के अलग अलग तरीके हैं, लोग जूस में मिलाते हैं, लोग कच्चा भी खाते हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ये कुछ आंवले 2 मिनट में ओवन में मैंने बॉईल कर दिए हैं, स्टीम कर दिए। तो इन आंवलों को मैंने हल्का सा नमक डाल के थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है इनके ऊपर और 2 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम किया है। स्टीम करने से क्या होता है कि जब हम इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये आराम से खुल के इसके इजीली पीसेज हो जाते हैं। सेम चीज़ हमें अगर हम इसको काटते हैं या छीलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी होती है। तो ये देखिए इसके बीज आसानी से अलग हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने टेस्ट के अनुसार ये पीसेज आप कर लीजिए और अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है मिर्च डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए हार्डली फॉर 1 to 2 मिनट और इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और जिस तरीके से आप पिकल्स वगैरह खाते हैं रोटी के साथ, दाल चावल के साथ या किसी भी डिश के साथ, आप इसको खा सकते हैं। आपको स्वाद का स्वाद मिलेगा और हेल्थ का हेल्थ भी। मैंने बहुत कम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेल मसाले ये सब पसंद नहीं है, तो मैंने हार्डली 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। ये भी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हल्के से मैंने सरसों के दाने डाले हैं। उसके बाद ये भी सरसों के दाने चटकने लगे तो मैंने थोड़ा सा 2 स्मॉल स्पून धनिया, मुझे हल्का तीखा पसंद है, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी डाला है। एंड देन उसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, अदरवाइज ये मसाला जल सकता है। और इसके बाद इसमें हमने जो 2 मिनट पे हमने आंवले को बॉईल किया था वो डाला है। नमक में इसमें आप अगर चटक खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ बिकॉज मैंने बॉईल करते वक्त ही इसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया था। तो देखिए बस ये ड्राई हो गया है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और 1 मिनट के लिए चला सकते हैं और उसके बाद इसे ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन सर्दियों में और आंवले के मौसम में आंवले का मज़ा लीजिए, टेस्ट का टेस्ट है। और यकीन मानिए ये आंवले के सीज़न में जो हम आंवले खाते हैं ये पूरे साल हमारी हेल्थ को बूस्ट करते हैं, चाहे वो हमारे स्किन हो, हमारे हेयर हो या हमारी इनर हेल्थ हो। तो आज से ही आप अपने डाइट में आंवले को शामिल कीजिए। थैंक यू।